रीना, वो तुम अपने वश में कर रही है। यहाँ आओ, मेरी बात सुनो प्लीज राघव। राघव, हमें भी जल्दी से यहां से निकलना होगा, ठीक है? चलो मेरे साथ। अजय, वो चुड़ैल राघव को ले जा रही है, हमें उसे रोकना होगा। हम बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे, उसकी जान हमें बचानी होगी। पर गुरुजी, ये जादुई दीवार हम तोड़े कैसे? मैं कोशिश करता हूँ। राघव, राघव यहाँ देखो। राघव, बहुत डर लग रहा है। बच्चे कहाँ होंगे? वापस तो आ जाएंगे ना? ये अचानक तेज तूफान कैसा? ये क्या हो रहा है? पता नहीं। अपनी जान प्यारी है तो अपने साथियों को बोल दे कि मेरे साथी को उस चक्रव्यूह से आजाद करवाए, वरना। वरना तेरी जान ले लूंगा। हम तुम्हारे साथी को छोड़ देंगे, फिर मेहरबानी करके इन्हें कुछ मत करना। नहीं, कोई कुछ मत करना। मेरी जान जानी है तो जाए, पर इस शैतान को मत छोड़ना। तो ठीक है बुढ़िया, तो अब तेरी जान ही ले लेता हूँ। नहीं, 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 नहीं। एक उम्मीद थी, वो भी चली गई। मेरे बच्चे कहाँ होंगे? मेरी बहन कहाँ होगी? शर्मा जी, मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाकर उस चुड़ैल के खिलाफ कंप्लेंट लिखवानी चाहिए। अब पुलिस ही उसे ढूंढेगी। अरे बड़े बाबू, पुलिस डायन चुड़ैल को नहीं मानती है, वो क्या करेगी? अरे उस पे कोई गोली कोई बंदूक असर नहीं करती है। अब तो खतरा और बढ़ गया है, कालासुर जागृत हो गया है। तो क्या करें? हार मान ले, राघव को ऐसे ले जाने दे। ले जाने दे। रे, परसों से तुम उससे लड़ रही है, लेकिन कुछ हुआ? आए, तंत्र कभी कटता नहीं और तांत्रिक कभी मरते नहीं। मान ले कि तू हार गई, अब तेरे पास बचाई क्या है? सब कुछ तो तूने खो दिया। मत तड़वे दही, कोई फायदा नहीं। छोड़ दे अपनी इस दुनिया को और चल मेरे साथ मेरी दुनिया में। वो इस दुनिया से बहुत अच्छी है, खुश रहेगी तू वहाँ। चल मेरे साथ। नहीं, मैं कहीं नहीं चलूंगी। तुझे क्या लगता है मैंने हार मान ली? नहीं कालासुर, मैं हार ही नहीं, मैं जीतूंगी और तेरा अंत भी करूंगी। अंत? किस अंत की बात करती है तू? हाँ, मैं तुझे मिलूंगा तब ना। कहाँ ढूंढेगी मुझे? वैदेही, राघव के पास पहुंचने का हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता है। हमें इसके साथी को पकड़ना ही होगा। आप ही कुछ कर सकते हैं गुरुजी, जल्दी करिए।
इसे पकड़ने आई है, भूल जा। ये कहाँ गया? गायब हो गया? कालाजोर! तू मुझे कहाँ ले आई संजना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ याद आया राग? यही हमारी कहानी शुरू हुई है, जहां हमारी जिंदगी शुरू हुई थी। याद करो राघव, याद करो, यहीं हम दोनों पहली बार मिले थे, यहीं हम दोनों के प्यार की, हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, यहीं हम दोनों दो से एक हो गए थे। याद करो राघव, याद करो। पिछले जन्म में वैद्य ने हमें एक नहीं होने दिया था, लेकिन इस जन्म में हम एक होंगे। हमारा प्यार एक होगा, हरा देगा उस प्यार के दुश्मन वैद्य को। हरा देंगे ना राघव? आज हमारे एक होने के बाद कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आ सकेगा। बोलो ना राघव, कोई नहीं आएगा ना? लो राघव, हमारी सुहाग रात का शगुन, लो ये दूध पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं है। पी लो ना राघव, मेरी खातिर। तुम गहरी नींद में सो चुके हो, अब मैं इस रिश्ते को और गहरा बनाऊंगी, तुम्हें अपना बनाऊंगी। तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ मेरी दुनिया में चले आओगे। राघव,
ये सब क्या हो रहा है? राघव का कुछ पता चला? गुरुजी बताइए ना क्या हो रहा है, बोलिए ना कोई। I'm very sorry. ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ। आज राघव भाई के साथ जो कुछ भी हो रहा है। राघव का कुछ नहीं होगा, हम सब है ना, हम सब उसे बचा लेंगे। राघव को कुछ नहीं होगा। क्या बात है गुरुजी, आप कब से राघव की कुंडली देख रहे हो? बताइए ना क्या लिखा है उसकी कुंडली में। उसे बचाने का कोई उपाय, कोई तरीका? बड़ी विचित्र कुंडली है, मैंने आज तक ऐसी कुंडली नहीं देखी। इस कुंडली में काल लिखा है। मैं काल हूं, कालासुर। और काल को काटने वाली भी लिखी है। राघव को केवल उसकी पत्नी बचा सकती है, वही उसकी रक्षा कर सकती है। जब जब काल आता है, काल को काटने वाली आती है। ये तीन रातें राघव की जिंदगी पर बहुत भारी हैं। मारण योग लिखा है, दो दिन के बाद एक बड़ी अमावस्या आने वाली है। यदि अमावस की रात से पहले हम राघव को नहीं ढूंढ पाए तो फिर राघव हमें कभी नहीं मिलेगा।